हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सो कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप सबको भाई बहुत ही अमेजिंग अटैक की स्ट्रेटजी दिखाने वाले हो, जो कि भाई TH9 का और भाई फुल हॉक राइडर अटैक एंड फुल हीलिंग स्पेल के साथ। तो इसमें हम लोग बस एक CC यूज करने वाले हैं, वो है अप्रेंटिस वार्डन। एंड आप लोग विदाउट हीरो जी अटैक की स्ट्रेटजी है, तो लेट्स गो। हम लोग चलते हैं गेम के अंदर और आपको दिखाते हैं सो कैसा है। तो भाई अभी हमारे पास ट्रूप, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। मैंने ये ट्रूप लिया है भाई, 10 10 बिजार्ड है एंड भाई 35 हॉक राइडर है, बाकी 5 मतलब बिजार्ड इसलिए बनाया है कि भाई अगर आपको CC निकल जाता है तो उसको मारने के लिए, बाकी पॉइजन रखा है उसी लिए, बाकी हीरोज नहीं है। तो लेट्स सी, मैं कोई बेस देखता हूँ 9 का और फटाक से उस पर अटैक करता हूँ। ओके, तो गाइज हम लोग आ चुके हैं 9 के बेस पे, और देख सकते हो यहाँ पे एक बेस मिला है 9 का, जिसमें भाई जिस तरह के मेरे हीरो नहीं उसी तरह उसके भी हीरोज नहीं है। तो चलो भाई अभी पट्टे शट्टे, अभी भाई हम लोग को इस बेस पे 3 स्टार निकालने। बेसेस हमारे बीच बहुत ही खतरनाक है, जो कि बेसिस में जो होना चाहिए वो चीज़ें है लास्ट में। अभी हम लोग को सबसे पहला चीज़ हम लोग को टेस्टिंग क्या करनी है, हम लोग को हॉक राइडर बाहर निकालनी है। हॉक राइडर से मतलब कि ट्रूप रूप नहीं है ना, चेक करनी है। ओके नहीं है। अब गई यार मुझे ऐसी जगह से उतारने हैं हॉक राइडर की भाई सारी की सारी भाई एक लाइन से मारते हुए हॉक राइडर जाए, ठीक है। तो क्या करना है, बस अब देखो, दो इधर छोड़ना है, फिर दो इधर छोड़ना है, फिर दो इधर छोड़ना है, फिर दो इधर छोड़ना है, ऐसे करके, ठीक है ना, एक दो इधर और एक दो इधर। बाकी यार ये जैसे हो जाएगा ना, फिर पूरा का पूरा ऐसे पूरा डिप्लॉय कर देना है, ठीक है। ये डिप्लॉय करोगे अंदर की ओर, यहाँ पे एक आपको डीलिंग करनी है, एक यहाँ पे हीलिंग कर देना, एक यहाँ पे हीलिंग कर देना, एक बचाना भाई इसको आपको पुशिंग करने के लिए, ठीक है, नाइस वन। और यहाँ पे आपको जाएगा एक हीलिंग भाई। अप्रेंटिस वार्डन का यूज ही नहीं हुआ, देख सकते हो अप्रेंटिस वार्डन का यूज ही नहीं हुआ एंड दिस इज अ माइंड ब्लोइंग। और यहाँ पे आपको पूरी के पूरी हॉक राइडर OP वाले निकल चुकी है सो बेसिस पे। बाकी यार यहाँ पे आपको बस बिजाड़ ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, फिर 1 2 3 4 एंड यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। बाकी यार इधर से अर्चर टावर, अर्चर मतलब सॉरी, और अप्रेंटिस वार्डन यूज ही नहीं किया। फिलहाल आप देख सकते हो बेस इतनी इजी, हॉक राइडर अटैक की शर्जी, दिस इज अ माइंड ब्लोइंग अटैक की शर्जी। ये अटैक की शर्जी आप लोग को बहुत इजी एंड बहुत ही सुंदर तरीके से आप 3 स्टार निकालोगे। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे एंड और भी इसकी एक करामात। तो लेट्स सी, एक और जगह हम अपने बेस पे, खुद के बेस पे ट्राई करेंगे और CC यूज किए हुए बेस पे, ठीक है ना। तो लेट्स सी, मैं अपने बेसिस पे देख लेता हूँ। फिलहाल ये तो ये बेस अटैक कैसा लगा आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। विदाउट क्यून एंड थी नहीं, उसमें तो थोड़ा दिक्कत हुआ। अभी फिलहाल यहाँ पे 1 मिनट बचा हुआ है भाई, अमेजिंग तरीके का अटैक है। सो ये अटैक की शर्जी आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल अब अगला हम लोग दिखाते हैं, एक अपने अपने ही खुद के एंड चैलेंज करते हैं बेसिस पे। और खुद का बेसिस नहीं कर सकते क्या? ओके नहीं कर सकते भाई, खुद के बेसिस में नहीं कर सकते। तो गाइज एक और 9 का बेस मिल चुका है, जिस पे हम लोग करने वाले हैं 3 स्टार। और ये बेस भी हम लोग के बीच यार 9 का बेस है और फुल, इसमें भी क्वीन नहीं है। तो इस बेस को भी हम लोग दिखाएंगे आप लोग को कैसे अटैक करना है। तो फिलहाल मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हॉक राइडर अटैक जब भी करना, खुले बेस में नहीं करना है आपको, बंद वाली जो दायरे वाली जो बेसेज होती है इस तरीके की, एक साथ वो वाली बेसेज में ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि डैमेज पावर जैसे कि बम, ये जाइंट बम, ये सबसे इसको डैमेज ज़्यादा पहुँचता है, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होती। फिलहाल मैं चलो अटैक करता हूँ, पहले 2 3 एंड यहाँ पे छोड़ देते हैं हॉक राइडर, 2 3 हॉक राइडर इधर, 2 3 हॉक राइडर इधर, ऐसे बाइक तोड़ते हैं, ठीक है ना। ओके एंड ये टूट जाएगा। ओके बम, अब यहाँ पे सारे सारे हॉक राइडर डिप्लॉय करेंगे ऐसे। और हॉक राइडर छोड़ने का तरीका याद रखना, एक साथ नहीं थोड़े से डिप्लॉय करते हुए जाते हैं। यहाँ पे एक हीलिंग स्पेल जाएगी ताकि मरे ना हॉक राइडर, और भाई एक यहाँ पे हीलिंग स्पेल जाएगी, ठीक है। ओके एक यहाँ पे हीलिंग, और यहाँ पे आपको पोर्शन, यहाँ पे हीलिंग स्पेल, ठीक है। तो अभी तक यार देख रहे होगे एंड बहुत आसानी से। बाकी यार यहाँ पे इसको हम लोग यार पुश करेंगे, बिजार्ट अपना छोड़ेंगे ऐसे लाइन से, ठीक है। और विदाउट CC मैंने इसीलिए यूज किया भाई कि विदाउट CC आप लोग देख सकते हो, विदाउट CC एंड हो रहा है, कोई टेंशन नहीं हो रही है। और हॉक राइडर अभी
सारे के सारे मारेंगे इसको भाई विजार्ड को, अब बारबेरियन को। आई थिंक बारबेरियन को मार देगा कि नहीं, विजार्ड मार नहीं पाएगा, मर जाएंगे, बट हो जाएगा यार, ये फ्रीज डाल जाएगा। सो फाइनली आप लोग को दो अटैक मैंने दिखाया, और हॉक राइडर अटैक, दिस इज अमेजिंग अटैक, और ये आप लोग स्ट्रेटजी यूज करो फुल हॉक राइडर अटैक एंड TH9 पे, बहुत मजा आएगा हॉक राइडर प्लस विजार्ड अटैक स्ट्रेटजी, दिस इज अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग अटैक स्ट्रेटजी है। वार में भी यूज कर सकते हो इसको, वार में भी यूज करो, बहुत अच्छा आपको वैल्यू मिलेगा। एंड अगर आपके पास क्वीन है तो और अच्छी वैल्यू मिलेगी, कोई आपको मतलब हरा नहीं पाएगा आपके बेसिस को, और टाइम से तो भाई कभी फेल नहीं हो सकते, याद रखना टाइम पे तो कभी नहीं फेल। बट हाँ, आपको याद रखना है कि बेसिस में आपको किस तरीके की चीज़ें देखनी है, कि जैसे कि बेस ज़्यादा दूरी पे ना हो, ज़्यादा मतलब डिफेंस से दूर दूर ना हो, तब तो हॉक राइडर मर जाएंगे, तो ठीक है। और 10 पे ये अटैक स्ट्रेटजी थोड़ी दिक्कत होगी आपको TH10 पे, ठीक है। तो ये 9 की स्ट्रेटजी है, 9 पे ही करना, 10 पे नहीं, ओके। 10 के लिए आप हमेशा क्वीन चार्ज यूज करो, ओके। सो ये तो था अटैक की स्ट्रेटजी, आप लोग देख सकते हो हॉक राइडर बहुत अच्छा वैल्यू निकाल, 47 सेकंड है अभी भी, और विजार्ड बचा हुआ है। अप्रेंटिस वार्डन यूज ही नहीं किया दोनों अटैक की स्ट्रेटजी में गाइज, एंड दोनों के दोनों अटैक की स्ट्रेटजी में मैंने अप्रेंटिस वार्डन यूज ही नहीं किया। सो सोच सकते हो भाई कितना ज़्यादा वैल्यू। एंड यहाँ पे देखो भाई, काम खत्म, बस 6 सेकंड भाई, जल्दी खत्म कर भाई, ओके भाई 29 सेकंड, नाइस वन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 33, ओके, और 3 एंड फाइनली 3 स्टार हो गया क्या। लो भैया दो हॉक राइडर छटक चुके हैं भाई, ये जा कहाँ रहे हैं सब। अच्छा इसको मारने, ओके 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 ओके, मुझे लगा क्वीन को बारबेरियन को मारने जा रहे हैं, नाइस वन। सो हो गया 3 स्टार, ओके। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू गाइज़।